कोरोना काल में प्रदेश के कई हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। महामारी के इस दौर में मांगों को लेकर इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने महज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस दौरान कोविड और इमरजेंसी वार्ड में काम प्रभावित नहीं हुआ। डॉक्टरों की कार्य बहिष्कार की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर के SMS अस्पताल में डॉक्टर्स ने मांगों को लेकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। तय समय पर परीक्षा करवाने की मांग के साथ ही बढ़ी हुई अवधि को SRship में कन्वर्ट करने की मांग को लेकर विरोध किया गया। कोटा में अपनी लंबित मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 7 दिन से काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने तक विरोध जारी रहेगा। तीसरी तस्वीर अजमेर की है। JLN अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 19 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से जयपुर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कुछ अपनी मांगे हैं जिनको लेकर के पिछले 7 दिनों से काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रहे थे, और उसके बाद में आज 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो हॉस्टल है उसके बाहर एकत्रित हुए और यहां पर कार्य बहिष्कार करके अपना विरोध एक सांकेतिक तरीके से जताते हुए अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर अपील कर रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं उनको लेकर के बात करेंगे। उपाध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रशांत पाराशर, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, किस तरह से आपकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ आप जमा हुए हैं और पिछले 7 दिनों से आप अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं? देखिए, सरकार से हम पिछले 2 महीने से वार्तालाप के थ्रू अपने मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बट ये बेसिक चीज़ है, हमारे 3rd ईयर के एग्जाम्स होते हैं वो अनसर्टिनिटी में जी रहा है कि भाई मेरा क्या होगा आगे, मैं किस पोस्ट पर कार्य करूँगा, मेरा एग्जाम कब होगा, मैं कब जा। अरे सब कोविड सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन आप टाइम पे उनका एकेडमिक, उनका करियर, उनका सब चीज खराब तो मत करिए। महासचिव हैं रविंद्र बिजानिया, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और रविंद्र जी, अगर बात की जाए तो भविष्य में क्या करेंगे अगर मांगों पर अमल नहीं होता या कोई आश्वासन अगर मिल जाता है तो क्या भविष्य में विरोध नहीं रहेगा? आज हमें सांकेतिक तौर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करना पड़ा है, जिसमें हमने कोविड और इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू रखी है, और संवेदनहीनता की इस वजह से ही आज जो स्तर है वो हम नहीं चाहते कि इससे भी आगे बढ़े। लेकिन फिर भी अगर सरकार इस तरह अपने समय रहते कदम नहीं उठाती है तो हमें कोविड ड्यूटी का भी बहिष्कार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात अभी यही है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू है, कोविड सेवाएं चालू है, रेजिडेंट भी नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो। इसको देखते हुए जो कार्य बहिष्कार किया गया है इसके अंदर इमरजेंसी और कोविड सेवाओं को चालू रखा गया है। इनके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं उसका बहिष्कार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इनकी चेतावनी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो भविष्य में ये कोविड की जो सेवाएं हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे, जिससे फिर पूरे राजस्थान में जो बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण है इस दौरान मरीजों को